Hi guys, welcome back to another video. My name is Archita and I welcome you all to our channel. And in case if you're new here, then please do not forget to hit the subscribe button. तो अभी तक अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो और आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी मेकअप वीडियोस बनाए हैं, मैंने कभी भी फाउंडेशन का यूज नहीं किया. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको एवरीडे यूज में, लाइक अगर आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो मुझे लगता है उसके लिए सीसी क्रीम अलॉन्ग विद द कंसीलर इनफ होती है. लाइक जितना कवरेज चाहिए होता है वो मिल जाता है. मैं तो अगर वेडिंग में भी जाती हूँ, कोई पार्टी भी अटेंड करती हूँ, आई ऑलवेज अप्लाई माई सीसी क्रीम. तो अभी जो मैं सीसी क्रीम यूज कर रही हूँ वो है बाय कीको मिलानो. वो सीसी क्रीम मुझे बाय फार द बेस्ट लगी है. मैंने नायका से ऑर्डर किए हैं कुछ बजट फ्रेंडली सीसी क्रीम विच इज अंडर 500 रुपीज फ्रॉम 6 ब्रांड्स जो काफी ज्यादा पॉपुलर है. So we gonna find out in this video कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कवरेज कैसा है, लगाने में कैसा है, क्या वो मेरे कीको मिलानो को बीट कर पाएंगे या नहीं. फर्स्ट सीसी क्रीम जो हम यूज करेंगे वो है बाय स्विस ब्यूटी. ये इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 172 रुपीज और इसमें SPF 15 है. So which is quite good. इसे अप्लाई करके देखते हैं कि कैसी है लगाने में. So I have no makeup on right now. तो इसका हमें एक्चुअल रिजल्ट समझ में आएगा कि कैसी है. So let's open this. So this is how it looks. So ऐसा कुछ देखने में है ये. मैंने क्या शेड ऑर्डर किया है सब कुछ मैं लिंक में डाल दूंगी. कंसिस्टेंसी की बात करें तो देखने में तो ठीक लग रही है, लाइक इट्स नॉट वेरी थिन. बट अभी एक बार फेस पे अप्लाई करके देखते हैं कि ब्लेंड प्रॉपरली हो रही है या नहीं. सो लेट्स डू दैट. सो ब्लेंड तो ये काफी अच्छे से हो गई है. एज आई कैन सी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई है, लाइक वो थिक कंसिस्टेंसी नहीं. की बात करूं तो इजीली ब्लेंडेबल है. जैसा मैंने बताया था आपको, समर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बिकॉज ये थोड़ा वाटर कंसिस्टेंसी में है. जो ऐसा प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है पर्ल ड्रॉप्स, तो वैसा सा कुछ लुक भी निकल के आया है. गॉट दिस शाइन ओवर हियर सो विच इज गुड. ये थोड़ा स्ट्रोक क्रीम वाला भी इफेक्ट दे रहा है. बट अगर आप कवरेज की बात करें, इतना हाई कवरेज नहीं मिलेगा. बट एज पर द प्राइस आई थिंक काफी डिसेंट प्रोडक्ट है. अगर आपको एवरीडे के लिए बहुत लाइट वेयर में कुछ चाहिए देन इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं. ये बजट फ्रेंडली भी है और बहुत लाइट भी रहेगा स्किन पे. लाइक अभी लगाने के बाद मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि मैंने कुछ बहुत हैवी लगाया है. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट. अभी हम मूव करेंगे हमारे सेकंड प्रोडक्ट पे और तब तक मैं इसे रिमूव भी कर लेती हूँ. नेक्स्ट जो हम ट्राई करेंगे वो है बाय पिलग्रिम. आई लव दिस ब्रांड. लाइक मैंने इसका जितना भी स्किन केयर यूज किया है अभी तक मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है. इसने मुझे कॉस्ट किया है 257 रुपीज. तो अभी देखते हैं खोल के. और ये है शेड 01 बेज ग्लो में. सो दिस प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली वीगन. इसमें SPF 50 है विच इज PA++++, सो विच इज गुड. एज पर दिस वन इसमें लिखा है दिस इज एन इंस्टेंट स्पॉट कवरेज मैट फिनिश विटामिन सी इन्फ्यूज्ड. सुनने में तो बहुत फैंसी लग रहा है. अभी इसे अप्लाई करके भी देखते हैं. सो दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स. So this is how it looks. First thing, मुझे I'm not very impressed by the consistency. मुझे ये थोड़ी thick लग रही है. Might be good for the winters, but summers के लिए I don't think so. इसका जो consistency है वो अच्छा होगा. But एक बार apply करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कैसा रहेगा face पे. थैंक गॉड इसमें मेरा ही शेड आया है. लाइक यू नो बिकॉज मैंने ऑनलाइन फर्स्ट टाइम सीसी क्रीम ऑर्डर करी थी एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा शेड क्या है. बट लकीली शेड तो अभी तक मेरा सही निकला है. देखो ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो रहा है. लाइक एज पर द कंसिस्टेंसी जो मुझे डाउट था कि ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा वो पॉइंट तो नहीं आ रहा है. टॉक अबाउट द रिव्यू, आई पर्सनली फील कि ये ड्राई स्किन के लिए नहीं है बिकॉज इट्स इन द मैट फिनिश और आपकी स्किन को बहुत मैटिफाई कर रहा है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये आपके लिए काफी अच्छा काम करेगा बिकॉज इट गिव्स यू दिस मैट फिनिश. बट फॉर मी आई हैव लाइक अ ड्राई स्किन तो ये मेरी स्किन को और थोड़ा ड्राई आउट कर रहा है. आई डू नॉट लाइक दैट पार्ट. बट इफ यू टॉक अबाउट द कवरेज, कवरेज काफी अच्छी है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो शायद आपके लिए प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा काम करेगा. मेरी ड्राई स्किन है तो मेरी स्किन पे इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा. तो मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ इससे बिकॉज ये मेरी स्किन को कहीं ना कहीं ड्राई आउट कर रहा है एंड आई डू नॉट
लाइक इट, मुझे थोड़ा डूई स्किन पसंद है. सो नेक्स्ट ब्रांड जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो है मार्स का. ये मैंने काफी सुना है इस ब्रांड के बारे में. आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बाय दिस ब्रांड, काफी अच्छे भी रहे हैं एंड बहुत अफोर्डेबल भी होते हैं. सो अभी इसका बीबी क्रीम भी ट्राई करते हैं लगाने में कैसा है. सो लेट्स ओपन दिस. सो फार एक्चुअली पैकेजिंग अच्छी निकली है तीनों प्रोडक्ट्स की. इसका जो एक और एड ऑन पॉइंट है, यहाँ पे प्लास्टिक दी है तो एक्स्ट्रा कवरेज है जिससे लीक ना हो. दैट्स इम्प्रेसिव. दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस वन हैज नो एसपीएफ और ये लाइट कवरेज के लिए है, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी. और इसका कवरेज कुछ ऐसा रहेगा, लग तो रहा है कि ब्लेंड हो जाएगी स्किन में. अभी एक बार ट्राई करते हैं फेस पे. यार ब्लेंडेबल तो है एंड साथ ही साथ आई एम क्वाइट अमेज्ड जो ये मुझे ग्लो निकल के आया है. इट्स वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी स्किन लग रही है. सो ब्लेंड करने के बाद कुछ मेरी स्किन ऐसी लग रही है लाइक इफ यू कैन सी. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, एज यू कैन सी ये मुझे इंस्टेंट इसने ग्लो दिया है विच इज गुड. साथ ही साथ यू नो अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं, लाइक स्विस ब्यूटी का जैसे हमने ट्राई किया था वो बिल्कुल ही लिक्विडी था, पिलग्रिम वॉज बिट थिक, ये थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी है इसकी. साथ ही साथ अगर मैं कवरेज के बारे में भी आपको एक डिफ्रेंसिएशन दे दूं, लाइक विद द स्विस ब्यूटी बहुत कम कवरेज था, विद द पिलग्रिम थोड़ा अच्छा कवरेज था बट विद अ मैट फिनिश. अगर आपको एक मीडियम रेंज में कवरेज चाहिए देन डेफिनेटली दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू. और जितना इस प्रोडक्ट के बारे में हाइप बनी हुई थी, नाउ आई नो व्हाई, बिकॉज ये यूज करने के बाद बहुत अच्छा है, मेरी स्किन कहीं से भी ड्राई आउट नहीं हो रही. एट द सेम टाइम जितना एवरीडे के लिए मुझे कवरेज चाहिए उतना मिल गया है. सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो काफी पुराना ब्रांड है, वो है बाय लैक्मे. जहां से मुझे सीसी क्रीम के बारे में पता चला था वो यही ब्रांड था. दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट ब्रांड जो मैंने यूज करना शुरू किया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस. दिस इज एसपीएफ 30 बट पीए प्लस प्लस. दिस इज लाइक अ टिंटेड मॉइस्चराइजर. सो लेट्स ओपन दिस. आई रिमेम्बर जब मैं यूज करती थी तब ये बेज कलर में आता था. लेट्स ओपन इट. This is how it looks. ये मुझे इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा मार्स वाला लग रहा है. तो अभी इसे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है. थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड करके देखें. ओके, ब्लेंड तो अच्छे से हो रहा है. आई पर्सनली थिंक ये थोड़ा ज्यादा वाइट है बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई. इसमें अभी भी सेम फ्रेग्रेंस है जो इतने सालों पहले हुआ करती थी. इट्स अ सेम वन दो, इट्स वेरी माइल्ड. Wow, I really like it, yeah. It's very nice. So, इसका कंसिस्टेंसी जैसे इतने साल पहले था वैसा ही आज भी मेंटेन्ड है. सो विच इज गुड. मुझे याद है मैंने काफी टाइम तक ये सीसी क्रीम यूज करी थी बाय लैक्मे एंड आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विद दिस. एज यू कैन सी कि मेरी स्किन ड्राई होने के बाद भी इसने मुझे काफी ड्यूई इफेक्ट दिया है. लाइक मैंने अभी जो 4 सीसी क्रीम अप्लाई करे हैं, आई थिंक दिस इज बाय फार द बेस्ट वन. आई लव इट. बहुत अच्छे से ब्लेंड हुई है, कवरेज भी बहुत परफेक्ट आया है जितना जरूरत था एंड साथ ही साथ कलर भी बिल्कुल मेरा ही निकला है. लाइक इट डजेंट लुक ऑकवर्ड. तो मार्स के जैसे थोड़ा मीडियम कंसिस्टेंसी में आएगा बट ब्लेंड होने में बहुत इजी था एंड आई रियली लव द फिनिश. इट इज सो ब्यूटिफुल. लाइक मुझे याद है जो मैं पहले भी लगाती थी आई वॉज ऑलवेज हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट और आज इतने सालों के बाद भी मैं खुश हूं ये लगाने के बाद. सो अगर आपको एक फ्लॉलेस लुक के लिए कुछ चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. अभी हम ट्राई करेंगे हमारा अगला सीसी क्रीम. लेट्स सी कि वो इसको बीट कर पाएगा या नहीं. नेक्स्ट वी गोना रिव्यू इज दिस वन बाय कलर बार. ये अगेन बहुत फेमस ब्रांड है एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. ये मुझे पड़ी है 488 रुपीज में. पैकेजिंग लुक्स रियली नाइस और दिस इज हाउ द ट्यूब लुक. सीसी क्रीम है, इट्स एसपीएफ 20 एंड इट्स अ ब्यूटी बाम एंड इट्स पैराबेन फ्री. सो लेट्स सी कि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो बाम जैसा है या फिर थोड़ा वॉटरी निकलेगा. सो लेट्स पील दिस ऑफ. ये फर्स्ट ऐसा सीसी क्रीम है जिसमें ये अभी तक हमको यहां से सील्ड मिला है. बाकी सारे ब्रांड्स में तो वो ओपन था. लेट्स ट्राई दिस वन. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. और एक बार यहां पे ब्लेंड करते हैं. वाओ,
ब्लेंड तो बहुत अच्छे से हो गया यार ये। ब्लेंड दिस। ब्लेंड करने में तो सारे ही सीसी क्रीम अभी तक बहुत अच्छे निकले हैं, इवन दो द कंसिस्टेंसी इज लिटिल थिक, जैसे इसका कंसिस्टेंसी भी थोड़ा सा थिक था तो मुझे लग रहा था कहीं ब्लेंड करने में प्रॉब्लम ना करे, बट अभी तक जितने भी हमने ट्राई करे हैं सब ब्लेंड होने में बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा ड्राई आउट नहीं कर रहा है स्किन को, काफी सही है वो चीज तो। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस इज हाउ माई फेस लुक्स, काफी ज्यादा कलर सही निकल के आया है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था शेड कहीं डिफर ना कर जाए फ्रॉम माई स्किन टोन, बट इट लुक्स फाइन, इट्स वेरी ड्यूई। ये अप्लाई करने में इजी था, कंसिस्टेंसी दो इसकी थोड़ी ठीक थी लाइक द वन वी यूज इन द पिलग्रिम, बट अगर मैं कवरेज की बात करूं जो कवरेज है वो टुवर्ड्स फाउंडेशन साइड है, लाइक यू नो थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए जहां पे आपको फाउंडेशन भी नहीं यूज करना बट एट द सेम टाइम सीसी क्रीम यूज करनी है, देन आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके लिए है। अगर मैं एवरीडे बेसिस की बात करूं वेर आई हैव टू गो टू द ऑफिस या मुझे कॉलेज जाना है, उसके लिए मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा है, लाइक आई कैन सी द लिटिल बिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑन माई स्किन। अगर आपको थोड़ी कोई वेडिंग अटेंड करनी है, पार्टी में जाना है, देन ये उसके लिए कवरेज आपको काफी अच्छी दे रहा है, बट डेली यूज के लिए मुझे लगता है ये थोड़ा ओवर हो जाएगा। बट अगर आपको एक लाइट वेयर सा चाहिए वेयर योर स्किन लुक्स लाइक स्किन, तो आई थिंक आपको इसको स्किप करना चाहिए। आज का जो लास्ट प्रोडक्ट हम रिव्यू करने वाले हैं वो है बाय द ब्रांड फॉरएवर 52। ये ब्रांड एक्चुअली मुझे तो अननोन था बट आई सॉ लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट यूजिंग इट, तो मैंने इसका ब्लशर यूज किया है, लिपस्टिक यूज करके काफी अच्छा इफेक्ट रहा है। अभी इसका सीसी क्रीम भी अप्लाई करके देखते हैं कि कैसी है। दिस इज इन द शेड अगेन 01 ब्लॉन्ड। इसकी पैकेजिंग इतनी सॉलिड थी, मुझे इतना टाइम लग गया इसके ऊपर के प्लास्टिक को हटाने में, अभी फाइनली इसे अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज हाउ द ट्यूब लुक्स, वेरी प्रिटी। सो दिस इज अ कलर करेक्टिंग फुल कवरेज क्रीम, दिस इज हाइड्रेटिंग एंड एंटी एजिंग कंसीलर, और इसमें यूवी प्रोटेक्शन भी है विच इज SPF 50 लाइक द स्विस ब्यूटी। अभी इसका टेक्सचर देखते हैं एंड लेट्स सी। वाओ, इसका कंसिस्टेंसी इज सेम एज स्विस ब्यूटी, बट अभी इसे अप्लाई करके देखते हैं। यार एप्लीकेशन में तो काफी ज्यादा इजी है, बहुत जैसे स्विस ब्यूटी का एप्लीकेशन था, वॉटरी टाइप वैसा ही कुछ टेक्सचर है इसका। लेट्स ब्लेंड दिस। सो ब्लेंड होने के बाद कुछ स्किन ऐसी लग रही है। आई रियली लव द फैक्ट कि स्किन लुक्स लाइक स्किन, ये प्रोडक्ट स्किन पे बिल्कुल ऐसे निकल के नहीं आ रहा है जैसे कलर बार का प्रॉब्लम था। यू नो अगर आप इसको एवरीडे के यूज में अप्लाई करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते। अगर हम कवरेज की बात करें आई थिंक कवरेज ठीक है, इट्स नॉट वेरी हैवी कवरेज लाइक कलर बार, बट हाँ सेमी कवरेज आपको इसमें डेफिनेटली मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट मैंने लिया था 500 का, बट अब इसके प्राइस थोड़े ऊपर जा चुके हैं, आई थिंक इट्स नाउ फॉर 530 और 540 रुपीज। अगर आप सेल से लेंगे तो शायद आपको कम प्राइस में मिलेगा, जब नायका का सेल आए देन यू कैन गो अहेड एंड बाय। इसके कंसिस्टेंसी और एप्लीकेशन की बात करें इट्स एग्जैक्टली लाइक स्विस ब्यूटी, और अगर थोड़ा कवरेज में ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्विस ब्यूटी, यू नो अगर वो लाइट कवरेज था ये थोड़ा मीडियम कवरेज। अगर आपको कुछ चीज बहुत बजट में चाहिए तो स्विस ब्यूटी भी एक अच्छा ऑप्शन है। सो ये थे कुछ रिव्यूज अबाउट द सीसी क्रीम एंड द बीबी क्रीम जो मैंने आपको बताया आज के वीडियो में, बिकॉज एट टाइम्स आई डू अंडरस्टैंड इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि हम कौन सा ब्रांड चूज करें कौन सा ना करें। इफ आई हैव टू रेट फ्रॉम 1 to 6 मुझे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा अच्छा लगा, सबसे कम कौन सा अच्छा लगा, देन लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट रैंक जो करेगा वो है ये लैक्मे का प्रोडक्ट। आई रियली लव द फिनिश, इट वॉज ड्यूई, जो स्किन थी इट लुक लाइक स्किन, एंड अप्लाई करने में भी काफी अच्छा था, कवरेज भी अच्छा था, लाइक एवरीडे के लिए इट्स अ गो टू प्रोडक्ट। सेकेंड वन इट इज बाय मार्स ब्यूटी, आई रियली लाइक द प्रोडक्ट। अगेन इसका जो कंसिस्टेंसी था मोर और लेस लैक्मे जैसा था, एप्लीकेशन भी वैसा ही था, बट लैक्मे का मुझे फिनिश थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने उसको नंबर 1 पे रखा और इसे नंबर 2। थर्ड रैंकिंग में आई विल गो विथ स्विस ब्यूटी बिकॉज इट्स वेरी वेरी बजट फ्रेंडली, एंड ऑल्सो अगर आपको एवरीडे के यूज में लाइट कवरेज में कुछ चाहिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, लाइक अभी जैसा वेदर हो रहा है इट्स ह्यूमिड एंड इट्स हॉट, तो उस वेदर के लिए ये काफी अच्छी काम करेगी, ये आपकी ड्राई ऑयली दोनों स्किन पे अच्छे से काम करेगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली समथिंग विच इज अंडर 200 देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन। अगर आपको थोड़ा उससे एक्सपेंसिव में जाना है जिसकी कवरेज थोड़ी ज्यादा हो
तो मैं फोर्थ पे रैंक करूंगी फॉरएवर 52 का ये प्रोडक्ट. इट्स नॉट अ बैड प्रोडक्ट, बट मुझे लगता है कि इसका कवरेज थोड़ा ज्यादा है. अगर आपको थोड़े कम कवरेज से भी काम चल सकता है देन वाई नॉट टू गो विथ स्विस ब्यूटी. अगर आपको थोड़ा टूवर्ड्स 500 जाना है देन यू कैन गो फॉर फॉरएवर 52. दोनों का कंसिस्टेंसी एप्लीकेशन सेम था, ओनली डिफरेंस वॉज विद द कवरेज, लाइट कवरेज एंड मीडियम कवरेज. फिफ्थ पे आई विल पुट कलर बार, बिकॉज अगर आपको एक हाई कवरेज प्रोडक्ट चाहिए विच इज बजट फ्रेंडली एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो गया आपकी स्किन पे, ड्राई भी नहीं किया आपकी स्किन को, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस. इसका जो फिनिश था वो काफी अच्छा था, स्मूथ था, बट मुझे लगता है काफी प्रोडक्ट फेस पे दिख रहा था, इसकी वजह से आई विल पुट इट ऑन नंबर 5. अगर आपको किसी वेडिंग इवेंट के लिए कुछ हैवी में चाहिए देन आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं. सिक्स्थ पे जो एक प्रोडक्ट है जो जाएगा, दो इट्स नॉट बैड बट मेरे लिए वो सिक्स्थ पे है बिकॉज इट डिड नॉट वर्क फॉर माय स्किन, वो है बाय पिलग्रिम. ये मेरी स्किन के हिसाब से थोड़ा थिक है, मैट फिनिश में भी है तो ड्राई भी कर रहा है मेरी स्किन को. इफ यू हैव लाइक द ड्राई स्किन देन पिलग्रिम सीसी क्रीम इज नॉट फॉर यू. देन आपकी स्किन पे स्विस ब्यूटी, लेक में मार्श जैसे प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे काम करेंगे. अगर आपकी ऑयली स्किन है देन ये प्रोडक्ट आपकी स्किन पे काफी अच्छा काम करेगा. ये थे 6 CC एंड बीबी क्रीम जो मैंने रिव्यू करे आज के वीडियो में. यू नो बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी, एप्लीकेशन, प्राइस वाइज एंड उनका कवरेज कैसा है, मैंने आपको सारा डिफरेंस बताया इस वीडियो में. आपको कोई फ्यूचर में सीसी क्रीम या बीबी क्रीम लेनी होगी तो मे बी ये वीडियो आपकी शायद थोड़ी हेल्प कर पाएगी. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड नाउ आई विल सी यू गाइज ऑन वेडनेसडे at 6 PM शार्प. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.